हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में। दोस्तों, श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को पहले ओडीआई मुकाबले में 5 विकेट से हरा के 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। जिम्बाब्वे ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजेश चकावा के 50 और इसके बाद सीन विलियम के शानदार 100 की बदौलत 50 ओवरों में 296 रन का बढ़िया फाइटिंग चैलेंज पेश किया। जवाब में दोस्तों, श्रीलंका की टीम की ओर से पथुम निशंका, दिनेश चांदीमल और असलंका के शानदार अर्धशतकों की बदौलत श्रीलंकाई टीम ने 5 विकेट से ये मुकाबला जीत के 1-0 की बढ़त बना ली। दोस्तों, अगर आपको पिछले वीडियो को हमारे याद हो तो इस टीम में हमने इस मैच में 100 बनाने वाले सीन विलियम को अपना कैप्टन, जबकि चरित असलंका, जिन्होंने शानदार नाबाद 50 लगाई थी, वाइस कैप्टन बनाया था। इसके अलावा हमारी टीम में पथुम निशंका और दिनेश चांदीमल जैसे खिलाड़ी भी मौजूद थे, तो आप सोच सकते हैं हमारी टीम ने काफ़ी बढ़िया किया है। इसी तरह के बढ़िया वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात करेंगे आज के इस हम वीडियो में दूसरे ओडीआई मुकाबले के बारे में, जो 18 जनवरी को खेला जाना है कैंडी के इंटरनेशनल पल्ली केले स्टेडियम में। इससे पहले दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो चैनल के माध्यम से क्रिकेट संबंधी सारी छोटी बड़ी अपडेट आपको देने के साथ साथ सभी मैच की बेस्ट ड्रीम 11 टीम बिल्कुल फ्री में आपको दी जाती है। दोस्तों, बात करें इस दूसरे मुकाबले को, तो ये तीनों मुकाबले इसी एक ही वेन्यू पर होना है, पल्ली केले इंटरनेशनल स्टेडियम कैंडी। और जैसा कि आपको पहले मुकाबले से अंदाज़ा लग गया होगा कि ये बैटिंग पिच है, और पिछले मैच को भी मिला लिया जाए तो यहाँ पर हुए कुल मिला के 26 मुकाबलों में 15 बार पहले बैटिंग करते हुए, जबकि 11 बार बाद में बैटिंग करते हुए टीमें जीती हैं। पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 248, दूसरे इनिंग का 242 बनता आया है। हाईएस्ट टोटल 363 रन 7 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ, जबकि लोएस्ट टोटल में श्रीलंका की पूरी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 167 रन पर ऑल आउट हो गई। ये आपको पहले से पता है। वैसे दोस्तों, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच कल के मुकाबले को लेके कुल मिला के 51 मुकाबले हुए हैं, और श्रीलंका ने 42 बार जबकि जिम्बाब्वे ने मात्र 7 बार मुकाबले जीते हैं। इसके बाद दोस्तों, प्लेइंग 11 पर अगर हम नज़र डालें दोनों टीमों की, तो श्रीलंका की ओर से पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, कमांडो मेंडिस, चरित असलंका, दिनेश चांदीमल, दसुन सनाका, छमिका करुणारत्ने, जाफरी वांडरेसे, दुष्यंता चमीरा, महेश ठिकसाना और नुआन प्रदीप खेलते नजर आ सकते हैं। तो बात करें दोस्तों जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 में, किटैनो, रेजिस चकावा, क्रेग इरविन, सीन विलियम, बेस्ले माधवीरे, सिकंदर रजा, रियान बोल, वेलिंगटन मस्कजदा, ब्लेसिंग मुजरबानी, छतारा और रिचर्ड नगरवा की प्लेइंग 11 में जगह बनती नजर आ सकती है। वैसे दोस्तों, दूसरे ओडीआई मुकाबले की गेम प्लान की ओर नज़र डालें तो यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम, जो पहला ओडीआई मुकाबला हार जरूर गई थी लेकिन अच्छा फाइट पेश किया था होस्ट टीम श्रीलंका के सामने, तो निश्चित तौर पर जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर और भी बढ़िया करने का प्रयास करेगी, जिसमें रेजिस चकावा, सीन विलियम और सिकंदर रजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को यहाँ पर बढ़िया करना होगा। तो वहीं गेंदबाजी में उनको थोड़ा सा पैनापन लाने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर मुजरबानी और मस्कजदा बढ़िया बॉलर है लेकिन यहाँ पर उतने अच्छे रूप से अपनी धार का उपयोग कर नहीं पाए थे। यहाँ पर जोंगवे की कमी निश्चित तौर पर खली थी, तो वहीं पर श्रीलंका की टीम एक बड़े टारगेट को भी चेज करने के बाद बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे ओडीआई मुकाबले में आएगी और निश्चित तौर पर यह दूसरा ओडीआई मुकाबला जीत के सीरीज यहीं पर अपने नाम करना चाहेगी। इस कड़ी में दोस्तों, पथुम निशंका के साथ साथ चरित असलंका जैसे खिलाड़ी और दिनेश चांदीमल और साथ ही साथ कुशल मेंडिस, जिन्होंने पहले ओडीआई मुकाबले में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, सब मिलके यहां पर एक बढ़िया परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। तो दुष्यंता चमीरा की इस मुकाबले में वापसी हो सकती है, जो उनके मेन स्टार गेंदबाज हैं। तो छमिका करुणारत्ने ने बढ़िया काम किया था पिछले ओडीआई मुकाबले में, खासकर लास्ट ओवर में 2 विकेट लेके काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का प्रयास किया था जिम्बाब्वे की टीम को, जो एक समय 300 के ऊपर जाने का लिए देख रही थी, तो 296 पर यहाँ पर रोक के निश्चित तौर पर एक बढ़िया काम किया था। वैसे दोस्तों, यहाँ पर भी श्रीलंका फेवरेट दिख रही है और निश्चित तौर पर ये मुकाबले के साथ साथ सीरीज को यहाँ पर जीत सकती है। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो हम आपको फैंटेसी क्रिकेट में जो टीम रिकमेंड करने वाले हैं उस पर आप देख सकते हैं
इस टीम में दोस्तों हमने विकेटकीपर के तौर पर रेजिस चकावा को पिक किया है, जबकि चार बैटिंग ऑप्शन दिनेश चांदीमल, क्रेग इरविन, असलंका और पथुम निशंका के साथ जाने वाले हैं। इस बार दोस्तों हमने ऑलराउंडिंग ऑप्शन में सीन विलियम, सिकंदर रजा के साथ चमक्या करुणारत्ने को भी पिक कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी किया था। दोस्तों करुणारत्ने की खासियत ये है कि ये अवसर मिलने पर अच्छे हिटर भी हैं और बैटिंग से भी अच्छे पॉइंट दिलाते हैं, जबकि गेंदबाजी डिपार्टमेंट में दोस्तों नुआन प्रदीप, रिचर्ड नगरवा और ब्लेसिंग मुजरबानी को हम पिक कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी सजेस्ट कर रहे हैं, अगर दुष्यंता चमीरा की प्लेइंग 11 में जगह बनती है तो उन्हें आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा, खासकर अगर वो पहले गेंदबाजी करते हैं तो डेथ ओवरों के काफी शानदार गेंदबाज हैं। इसके बाद दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन हमने पिछले मुकाबले के जैसा सेम रखा है और सीन विलियम को एक बार फिर से कैप्टन और चरित असलंका को वाइस कैप्टन बनाया है, लेकिन अगर कहीं श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आप असलंका को कैप्टन भी पिक कर सकते हैं। जाहिर सी बात है इनको पूरा खेलने का अवसर मिलेगा, नंबर चार पर खेलने आ रहे हैं, तो वाइस कैप्टन के रूप में आप सिकंदर रजा या सीन विलियम या फिर पथुम निशंका को भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।